खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छपरी कहीं क्या? एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन हो? बढ़िया हो ना? हम तो देखे बढ़िया ही हैं। अब हम हंस काहे रहे, बताते हैं का हुआ। पता है उठे भाभी जी ना, आज हम पता ना का हुआ उनको, हमको देखकर बोलते हैं कि भाभी जी आखिर तो कजरारे नैन हैं आपके, और हमको देख के गाना गाने लग गए कि कजरारे तरकारे करे नैना। हम बोले हम तो शर्मा के जो लाल हुए और भाग के उधर से आए ना, का बताए आपको। ये गाना तो ठीक है, ये गाने में कौन थे? अभिषेक बच्चन जी थे ना, उनकी खबर लाए हैं पहले, तो वो दिखा दे आपको। चलिए, अभिषेक बच्चन ने कहा दर्शकों का फोकस दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर हो गया था। जी हाँ, अभिषेक बच्चन की पिछली 5 लगातार रिलीज तब सामने आई जब कोविड महामारी ने हम पर प्रहार किया। लूडो, द बिग बुल, ब्रिद इन टू द शेडो, बॉब बिस्वास और हाल ही में 10वीं, सभी को सीधे वेब सीरीज पर रिलीज पर ले गई। प्रीत को छोड़कर जो कि एक वेब शो था, जहां थिएटर वापस पटरी पर है, वही बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनकी फिल्मों को ओटीटी की राह पर चलना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम एक्टिंग करना है। जाहिर है हम बड़े पर्दे पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होने का एक बड़ा फायदा आपकी पहुंच है। यहां के दर्शक थिएटर से कहीं ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म के अंदरूनी हिस्सों तक पैठ शानदार है, चाहे लूडो हो बिग बुल। मैंने 10वीं के लिए जो सुना वह यह था कि 400 मिलियन लोगों की वेब पर इसकी पहुंच होने वाली है। एक बटन को पुश करने पर भले ही बहस के लिए उस संख्या के 10% ने इसे सिनेमा घरों में देखने का फैसला किया, वह 40 मिलियन है। औसत टिकट की कीमत ले जो भारत में 120 है, आप गणित करते हैं, आंकड़ा दिमाग को झकझोर देने वाला है। वे वही हैं जिस तरह के लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, वह अगली बार ब्रिद के तीसरे सीजन में दिखाई देंगे। साथ ही उन्होंने कहा, कुछ साल पहले जो होना शुरू हुआ था और अब भी जारी है, वो ये है कि आम लोगों ने भी फिल्म के दर्शकों की तरह उसको कलेक्शन के आधार पर रेटिंग देना शुरू कर दिया है। कितना अच्छा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इस डेटा को जारी नहीं करते। दर्शकों का ध्यान दुर्भाग्य से समय के साथ बॉक्स ऑफिस पर हो गया था। पहले सबसे लंबे समय तक 80 से 90 वर्षों के लिए यह था कि फिल्म अच्छी है या नहीं है। एक थिएटर जितने दिनों तक चलता था वह फोकस था, और यह फिल्म के अच्छे होने या न होने की बात का प्रभाव था। तो कुछ इस तरीके से अपनी बातें शेयर की अभिषेक बच्चन ने। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कर रही थी? अब बोलो कहाँ कर रहे थे? हंस के चले जाओगी तो कैसे पता चलेगा? हंस रही हो? हम बताए दर्शकों को करण अर्जुन वाला किस्सा, तो हम तो बोले हैं खबरी को कि जल्दी जल्दी पीला सूट लेके जा रही हो, तो कहाँ बनोगी? हल्दी हम छुटके ससुर जी की हल्दी में जरूर आना, फिर ही पहन के आना, ठीक है? बोलती है कि आंटी हम पीला सूट पहन लेगा छुटके ससुर जी का, हमार छुटके ससुर जी की तो का है ना फ्रेंड है ना। हम बोले जो मन करे पहन लो, तो फिलहाल तो हम जाते हैं नहीं। आज की खबर तो हो गई खत्म, दर्शकों कल फिर से मिलेंगे नई खबर लेकर। तो कहीं जाइएगा नहीं, जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी के दर्शकों।